हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वही हमारा वेस्टर्न आर्ट थ्योरी का टॉपिक, जिसमें हम बोलते हैं वही वेस्टर्न आर्ट थ्योरी का टॉपिक जिसमें पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जिसको आप कहते हो नव प्रभाववाद, हम वो पढ़ने वाले हैं आज। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, हमने आपको बता दूं, हमने न्यू इम्प्रेशनिज्म, सॉरी, नियो इम्प्रेशनिज्म पढ़ लिया है और इम्प्रेशनिज्म पढ़ लिया है। हमने वहाँ के दोनों के आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे से देख लिए हैं और कैसा क्या आर्ट इफेक्ट था वो भी बहुत अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म क्या अलग था, कितना अलग था, नियो इम्प्रेशनिज्म से कितना अलग था और इम्प्रेशनिज्म से कितना अलग था, वो सब चीजें देखते हैं। न्यू इम्प्रेशनिज्म में क्या था, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इम्प्रेशनिज्म, बस कुछ नई टेक्निक ऐसी आ गई थी जिसको हमने पॉइंटलिज्म कहा था, तो हमने उसको क्या कह दिया था कि वो न्यू इम्प्रेशनिज्म है, जिसके दो मास्टर थे जॉर्ज सूरेट और पॉल सेगमेंट। ठीक है, अब जो है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रू आउट इंडियन, थ्रू आउट आर्ट हिस्ट्री, थ्रू आउट वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री, एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, कहते हैं कि आधुनिकता की जो शुरुआत है वो प्रभाववाद से हुई थी और यहाँ के जो मेन कलाकार थे उनने मतलब एक शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो यही है। अगर दोस्तों अभी नेट का आपको पता ही है, मैंने अभी लाइव क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नेट का सिलेबस वो आ चुका है, एग्जाम फॉर्म आ चुका है, आप भर दीजिए। विद इन 1 और 1.5 मंथ में हमारी एग्जाम्स हो सकती है जून जुलाई में, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्स 1000+ लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जो एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे। ठीक है, और चाहे तो जो भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैंने कभी मना नहीं किया है। ठीक है, अब आप आगे अपना शुरू करते हैं। ये हमारी बात हो गई है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की। ठीक है, इसका इंग्लिश ये वाले का भूल गई, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कला आंदोलन प्रभाववाद कला के विरोध में हुआ। ठीक है, नियो इम्प्रेशनिज्म को हमने बोला कि एक एक्चुअली इक्वल जैसा ही था, अंतर नहीं था, वो इम्प्रेशनिज्म ही था, वो नियो उसमें पॉइंटलिज्म था, मतलब जैसे कि वही के जो यथार्थ दिख रहा है आपको वही चित्रण करना है, आपको अपनी मन मर्जी से बात नहीं करनी है, ये जो हम एक आम भाषा में बोलते हैं। तो विरोध ये क्या है, एकदम विरोध नहीं, उनने अपोज नहीं किया है, वो कहते हैं पॉल सीजन, मैंने आपको पहले ही बोला था, वो लोग मतलब ये वर्ड हो सकता है मैं अभी गलत सेंस में यूज कर रही हूँ, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उनने ये नहीं कहा था कि हम आपको विरोधी हैं, आप हो तो हम हैं, आपने कुछ नया करने का की साहस दिखाई तो हम भी कुछ नया करने का सोचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इम्प्रेशनिस्ट हैं आप लोग जैसे, नहीं, वी आर टोटली डिफरेंट, हम आपसे इंस्पायर जरूर हुए हैं लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के मास्टर पॉल सीजेन का कहना था और उन्हीं ने जब एडवर्ड मानेट और क्लाउड मोनेट और डेगास रेनॉयर इन सबको ऐसी चीज बोली थी। ठीक है, इसी से हम ये समझ जाते हैं कि वो एक अपोज में थे, अपोज इन द सेंस क्योंकि इम्प्रेशनिज्म क्या बोलता था, यथार्थवाद में जाता था कि जो दिख रहा है उसको आप करो, लेकिन उसको आप बनाओ। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारे पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट आएंगे वो थोड़ा बहुत अपना बुद्धि लगाते हैं, पॉल सीजेन ने जैसे बुद्धि लगाई क्यूबिज्म की और अपने को अग्रसर किया, वॉन गोग वहीं एक्सप्रेशंस पे थे, मतलब एक्सप्रेशन, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, ये सब चीज़ें फॉर विथ फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो आप उसको यथार्थ नहीं बोल सकते कि जो है वही वो देख के चित्रण कर रहे हैं, वो ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो इससे अलग है। ठीक, दूसरी चीज़ रॉजर फ्राई ने, ये थोड़ा सा अच्छा है कभी आ सकता है, 1910 में एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें क्या बोला था, माने और उत्तर प्रभाववादी, मतलब यहाँ इनने उत्तर प्रभाववादी को अलग कंसीडर कर दिया था और माने मतलब वही आपके क्लाउड मानेट जो इम्प्रेशनिस्ट पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रदर्शनी का पूछ लिया जाए अगर तो आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पोस्ट, ये तीन आर्टिस्ट पॉल सेजान, विंसेंट वॉन गॉग, पॉल गोगिन। ठीक है, पॉल सीजेन फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, विंसेंट वॉन गॉग और पॉल गोगिन। अब ये वो कलाकार थे, मैंने क्या बोला आपको कि इम्प्रेशनिस्ट फॉर आधुनिकता फॉर चेंज आ गया, लेकिन ये वो कलाकार थे जिनने कहेंगे कि वास्तव में आगे एक नई दृष्टि दी, जैसे कि पॉल सीजेन माने जाते हैं फादर ऑफ क्यूबिज्म क्योंकि
क्यूबिज्म में काम पिकासो ब्रैक ने किया हम मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत पॉल सीजेन द्वारा हो गई थी। और दैट्स वाई द कंफ्यूजन इज, जब क्वेश्चन आता है कि हम किसको फास्ट किसको पियोनर माने, है ना, तो वो चीज़ इसलिए आती है क्योंकि क्यूबिज्म की शुरुआत इनके काम से आगे क्यूबिज्म को शुरुआत मिली थी। दूसरी चीज़, विंसेंट वॉन गॉग ने जब अपने मन का एक्सप्रेशन, वो जब डिप्रेस थे उनका मन का एक्सप्रेशन वॉट एवर जो भी चीज़ें थी उनकी, उसको उनने जिस तरह से अपने पेंटिंग्स में उतारा है, तो उससे आगे जन्म हुआ है एक्सप्रेशनिज्म का, जिसको आप कहोगे क्या बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक्सप्रेशनिज्म का जन्म हुआ है। सेम पॉल गोगिन, क्योंकि उनकी कला प्रिमिटिव आर्ट बोलते हैं ना, आदिम कला से इंस्पायर थी, तहिती आइलैंड में रहे वो उस तरह की पेंटिंग्स थी। दूसरी चीज, उनकी कला में सिंबोलिज्म था, सिंबॉलिज्म मतलब प्रतीकवाद, तो ये उनकी ही कला से, नॉन नियो प्रिमिटिविज्म भी देखो दिखेगा आपको, उनकी ही कला से जंगलवाद, सिंबॉलिज्म और नियो प्रिमिटिविज्म का स्टार्टिंग हुआ। एक क्वेश्चन आया था, अभी आया था कि सिंबॉलिज्म में कौन आर्टिस्ट नहीं है, तो उसमें पॉल गोगिन भी थे और एक दो रेडॉन वगैरह थे जो मेन सिंबॉलिस्ट आर्टिस्ट हैं, और एक नहीं थे। तो ऐसे करके आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि पॉल गोगिन को तो हम सिंबॉलिज्म में हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनने तो उसकी शुरुआत करी है, ठीक है। तो यह कलाकार व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा ये कलाकार व्यक्तित्व जीवन से दुखी थे, काफ़ी दुखी थे, और इसलिए हम ये कहेंगे कि दे आर नॉट इम्प्रेशनिस्ट, के वो जो दिख रहा है वो उसको पेंट नहीं कर पा रहे, वो अपनी बुद्धि लगा के अपना जो दिल में है वो चीज़ें भी पेंट कर रहे हैं, इसलिए दैट्स वाई पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रेशनिज्म। और ये कलाकार व्यक्ति जीवन से दुखी थे, ये जब तक जिए, जैसे कि आपको मैंने इम्प्रेशनिस्ट में बताया कि क्लाउड मोनेट बहुत लंबे समय जिए, और लंबे समय जीने के कारण वो अपनी लाइफ में प्रसिद्ध होके गए। रेनॉयर सेम, रेनॉयर भी इतना लंबा नहीं उनसे कम, लेकिन वो भी अच्छा लंबा जिए थे। अगर लंबा जिए तो बिल्कुल उनकी जो शुरुआत की थी उनने, और वो उनको प्रसिद्धि दे गई, और काफ़ी ह्यूज स्टूडियो और उनका जो पैसा, भले उनकी वाइफ की डेथ के बाद यही सब हुआ, लेकिन उन्हें एक ख्याति मिल गई थी एज एन आर्टिस्ट, एज एन इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। लेकिन हम पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट की बात करें तो ये जब तक जिंदा थे तब तक इनको कोई भी ऐसा कुछ अच्छा वो नहीं मिला था, ज़्यादा अर्निंग भी नहीं मिली थी, शायद इसी कारण वो उनको इतनी कम एज में भी इन लोग की डेथ हो गई, और ये बाद में इतने फेमस हो गए। आज आप विंसेंट वॉन गॉग की पेंटिंग हर कहीं देखते हो, एवरीबडी नोज द स्टेरी नाइट ऑफ विंसेंट वॉन गॉग। कैसे, जो जो पेंटिंग से नहीं जुड़े हैं वो भी जानते हैं, इस यही उनकी मतलब सोचिए एक प्रसिद्धि है कि आप उनको आम लोग भी जान रहे हैं, जबकि जब वो थे, जब उनको हम सबकी ज़रूरत थी, मतलब उस सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिली थी। शायद ये सब मिलता तो उन लोग, वो लोग सुसाइड की ओर और वॉट एवर जो ड्रिंकिंग है उसकी ओर वो नहीं जाते, ठीक है। तो ये उनकी इस तरह की लाइफ स्टाइल थी। अब देखते हैं आगे, सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं जो पॉल सीजन, जिसको मैं आपको इम्प्रेशनिस्ट के साथ ही बता चुकी हूँ कि वो उनको ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है, उन सब आर्टिस्ट को ज्वाइन कर लिए थे, उनके साथ रहे थे, और काफ़ी ऐसे हटी किस्म के थे, मतलब वो तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट हैं तो उनको जो खुद को सही लगता है वो करेंगे, उस प्रकार के थे ये। और 1839-1906 इनका बर्थ डेट है। फिर से एक चीज़ बार ये लाइन रिपीट करती हूँ कि इन्हें कहा था आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम इम्प्रेशनिस्ट, आई एम नॉट इम्प्रेशनिस्ट, ठीक है। वो इम्प्रेशनिस्ट खुद को नहीं मानते थे, उनने कहा था कि हाँ आपने मुझे प्रेरणा दी है, अब मैं वो करूँगा जो मुझे दिखता है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि उनको जो दिख रहा है उसको, रियालिटी को उनने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है देखो, रियलिटी को उनने इंटेलिजेंस बुद्धि के स्तर पर सुलझाया, मतलब उन्हें उसको सिंप्लीफाई किया, उसको आप समझेंगे जो क्यूबिज्म का काम हुआ। क्यूबिज्म में क्या है कि वो फोर मतलब जितने मोर देन थ्री डायमेंशनल को देख के और उसको सिंप्लीफाई किया है ना, जो जितने डायमेंशन से आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई किया है क्यूबिज्म में। तो उसके लिए बुद्धि की जरूरत है, ना कि दिल फीलिंग्स और स्किल्स की, एक बुद्धि की जरूरत है कि हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करें, वो उस क्यूबिज्म वो विद इन अ ब्लॉक्स और इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे सिंप्लीफाई करें। इसलिए अगर जहाँ बुद्धि की बात आए तो वो आप पॉल सीजेन के पास जा सकते हो कि उन्हें रियलिटी देखी, चित्रण रियलिटी का ही किया, बट बुद्धि से किया, दिमाग लगाया, ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है मतलब वो लोगों से हम ये इस चीज़ में हट गए, ठीक है, अलग हो गए हैं। इनका जन्म आइजेन में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म आइजेन में हुआ था, शिक्षा इनकी बर्बन कॉलेज में हुई है, ठीक। यह आधुनिक कला के प्रणेता, ये 10 बार
अगर कोई नया मतलब पहली बार ये देख रहा है, मैंने बहुत बार बताया है और आज फिर जब इनका टॉपिक आया है तो बता रही हूँ कि ही इज नोन एज प्यूनर ऑफ मॉडर्न आर्ट। बहुत अच्छे से इसको याद रख लो कि आधुनिकता की शुरुआत यहाँ से हुई है, इंप्रेशनिस्ट से हुई है, पहली बार पहले ही बता दिया है। और उसको शुरुआत करने वाले पॉल सीजेन की कला से ऐसा दिखा था कि अब कला का एक नया दौर आने वाला है, कला में आधुनिकता आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज है, इनको ही आधुनिक कला का प्रणेता फादर माना जाता है। इनने यथार्थ को बुद्धि के स्तर तक सुलझाया। दूसरी चीज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिज्म की, यथार्थवाद बोलते हैं, घनवाद की नींव इनने रखी। किसने? पॉल सीजेन ने। आगे देखो, इन्होंने परिप्रेक्ष्य को उल्टा कर दिया। आप समझते हैं, यहाँ अभी तक तो हम इन लोग को कुछ पता ही नहीं था, पता तो होगा बट उनने एक यथार्थवाद जो दिख रहा है उसको उनने फ्लैट सरफेस या वॉट एवर डेप्थ लाने की कोशिश करी, उस चीज में उनने चित्रण कर दिया। लेकिन यहाँ अब बात बुद्धि की आ गई, साइंस की आ गई और पर्सपेक्टिव की आ गई, जो कि हम आगे किसको देखेंगे, हम आगे ये सब चीजें क्यूबिज्म में देखने वाले। तो इनने पर्सपेक्टिव को ही उल्टा कर दिया, ये बुद्धि लगाई। ठीक है, एक नई चीज भी करी और बुद्धि लगाई। 1872 तक बात करेंगे, 1872 तक इनने स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म का वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, रोमांटिसिज्म स्टाइल से भी एक्सपेरिमेंट किया। क्यों? क्योंकि रोमांटिसिज्म इज वॉट, फिर से याद करो, द इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो क्योंकि उनने उस चीज को भी प्रयोग किया, इसलिए उनने सिर्फ जो दिख रहा है और उसी को चित्रण करने पे ये नहीं रह गए। ठीक है, क्योंकि उनने रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन को भी पावर दिया अपनी अर्लियर टाइम्स में, इसलिए उनने अपने दिमाग को भी यूज किया अपनी पेंटिंग्स के लिए। ठीक, ये पिसारो के मित्र थे, कैमाइल पिसारो, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, उनके मित्र थे। इन्होंने 1877 के बाद प्रदर्शनी बंद कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि ये 1877 के समय तक उनने इंप्रेशनिस्ट के साथ भी, याद करो आपको जो लास्ट एग्जीबिशंस के बारे में बता रही थी कि पॉल सीजेन भी इसके पार्ट थे, ये अप्रोक्स शायद 1877 और 74 वाले एग्जीबिशन में शायद थे। तो उसके बाद उनने प्रदर्शनी बंद कर दी थी। ठीक है, और इसके बाद फिर ये लैंडस्केप में इंटरेस्ट लेने लग गए थे 1880 में। कौन? पॉल सीजन। दूसरी चीज, पॉल सीजन एक बहुत अच्छे घर से थे, है ना, हमको लगेगा, लेकिन ये उनके फादर काफी रिच थे, अच्छे थे, और वो चाहते थे कि ये अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बने। लेकिन पॉल सीजन कहता था, आई एम प्राइम टू सिंप्लीफाई द फॉर्म्स एंड कलर्स। ये एक लाइन है कि फॉर्म, रूप को सिंप्लीफाई किया है इनने, रंगों को सिंप्लीफाई किया है पॉल सीजन ने। ठीक है, तो वो अपने पापा को यही जवाब देते थे कि मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, आप उस चीज को, वो बोलते थे इससे क्या हासिल होगा, तो देखो उनको वो एक्चुअल में भी उनको हासिल नहीं हुआ, जो हासिल हुआ वो हम सबको हुआ। ठीक, फिर घनत्व प्रस्तुत करने वाले जो प्लास्टिक कलर्स होते हैं, जो एक डेंसिटी पेंटिंग में प्रोड्यूस करते हैं, उसकी खोज इनने करी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब उन 1906 में देखो, क्योंकि परेशान इतना सफर किए हैं ये लोग, जैसे कि आपको मैंने क्लाउड मोनेट की वाइफ के बारे में बताया था, बहुत कम एज में डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि सफर किया है, इधर से उधर इतना ट्रैवल किया है। ठीक है, अपने फादर को लीव कर दिया इनने भी, और इधर उधर घूम रहे, तो इस सफर से इनको क्या फीवर हो गया था और 1906 में ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पॉल सीजन की। सीजा, ये फिर से पढ़िए, मॉरिस डेनाइस ने इनके बारे में कुछ कहा था, सीजा की कला शास्त्रीय परंपरा का अंतिम परिणाम है। बहुत अच्छे से आप याद रखो, सीजेंस आर्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन। प्रारंभिक जो शास्त्रीय परंपरा है वह आज यहाँ एंड हो गई है और शुरुआत मॉडर्न की हो गई है, ऐसा डेनाइस ने कहा था कि जो इनकी कला थी वो लास्ट थी, अब जो आएगा वो नया युग आएगा, एक मॉडर्न युग आएगा। ठीक, अब इनका बहुत अच्छा पेंटिंग आप लोग को पता है, द कार्ड प्लेयर्स, ऑयल ऑन कैनवास, तेल पे बना गया है ये जो है। ये लोग जब, हमने बताया था कि ये बार में जाते थे, ये लोग मिलते भी थे इनसे, वहीं पे उनने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई एम नॉट द इम्प्रेशनिस्ट, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द इम्प्रेशनिस्ट, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो ये यहीं पे इनके जो अपने मोनेट और ये है, तो वो लोग सब, ये लोग मिलते थे, तो वहीं पे इनने इस तरह का अपना चित्रण स्टार्टिंग किया था। ठीक है, कार्ड प्लेयर्स।
लार्ज बाथर्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बाथर्स पेंटिंग किसका है, 1839 का ऑल इन कॉनवर्स किसका है, ये पॉल सीजेन का है ये। अब उनने ये काम वो बहुत करते थे, अब इसका मतलब ये नहीं है, वही बात है कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट ये नहीं थे कि उन्होंने काम सिर्फ बाहर, उनने काम स्टूडियो में किया, ठीक है। इम्प्रेशनिस्ट ने जिस तरह से बाहर बाहर निकल के ही कार्य किया है, वैसे ही पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट ने कार्य स्टूडियो में भी किया है। और बोलेंगे कि जैसे ये इनका शुरुआती कामों में से है, द बास्केट ऑफ एप्पल्स स्टिल लाइफ को बनाया है, लेकिन बुद्धि से बनाया है ना, अपना दिमाग भी उसको यूज किया है और उसको भी चित्रण किया है। द बास्केट ऑफ एप्पल्स स्टिल लाइफ सीजन ने बहुत बनाए हैं, ठीक। एप्पल एंड ऑरेंज, ये थोड़ा छोटा हो गया, एप्पल एंड ऑरेंज जो है, ऑयल ऑन कैनवास, ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। मॉडर्न ओलंपिया, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आ सकता है, 1870 ओलंपिया किसने बनाया, ये तो सबको पता है, एडवर्ड मानेट का है। लेकिन जब एडवर्ड मानेट को मैंने बताया था कि बहुत कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी थी ओलंपिया के उस पे, तो उसको उस चीज को शांत करने के लिए, एडवर्ड मानेट को सपोर्ट करने के लिए, उनका उस फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए पॉल सीजान ने मॉडर्न ओलंपिया क्रिएट किया था, ठीक है, 1874 पे, ऑयल ऑन कैनवास। ये इंप्रेशनिस्ट के सपोर्ट में था, ना कि विरोध में, ठीक। द हैंगमैन्स हाउस, ये आपको पता है ना, हैंगमैन हाउस इस तरह से जो एरलिस में इनका घर था उसका है ये, और मानेंगे कि ये ऊपर से काफी हाइट पे से इनने इसको क्रिएट किया था, ये स्टूडियो का नहीं है, ठीक है, स्टूडियो में कंप्लीट वट एवर हो सकता है, लेकिन ये उनने काफी हाइट पे जाके और इसको किया था इस तरह का। ये हैंगमैन हाउस, ये आपको हाउस दिख रहा है, ये 1873 ऑयल ऑन कैनवास इनका है। अब आ जाते हैं दूसरा मुख्य कलाकार, पॉल गोगी, जिसको पॉल गोगा कहते हैं, 1848 से 1930 उनने भी अपने कला से कुछ नई चीज दी है, ठीक। क्या दी है देखते हैं। ये एक पत्रकार के पुत्र थे, सन ऑफ अ जर्नलिस्ट। 17 वर्ष की आयु में इन्हें पढ़ाई छोड़ी और 6 वर्ष तक वो समुद्र सैर की, मतलब एक नाविक बन गए थे, ठीक है। पेरिस में स्टॉक एक्सचेंज का काम भी इन्हें शुरू किया, ठीक, 1873 में। अब ये वो कलाकार हैं जिन्हें अपनी उम्र के बहुत आगे आके पेंटिंग स्टार्ट किया, पेंटिंग में घुसे, याद रखना। तो 1873 में 25 साल की उम्र में शौकिया रविवार कलाकार के रूप में चित्रांकन को स्टार्ट किया था। बट वो भी क्या है कि इट्स रविवार कलाकार, मतलब कि जब टाइम मिले तब उस तरह से हम वीकली कुछ ऐसा स्केचिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें उनने 1873 में 25 साल की उम्र में तो ये चीज स्टार्ट करी थी। और साथ में काम कर रहे थे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि पेरिस में स्टॉक एक्सचेंज, उससे पहले सेलर का कार्य किया उनने। इनके प्रथम मित्र व शिक्षक कौन थे, कैमल पिसारो थे, पहले मित्र और शिक्षक। 34 वर्ष की उम्र में, 34 ईयर्स की उम्र में इन्हें स्वयं को चित्रकला के प्रति समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया मतलब सब जॉब वॉब काम सब छोड़ के उनने उस समय बस सब कुछ उसी में दे दिया। और उसी में जैसे ही दिया तो ऑब्वियसली अभी तक जॉब था तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो होगा। 1 वर्ष तक जो पूंजी थी वो उससे उनका रहन सहन चलता रहा, फिर उनने अपनी पूंजी को समाप्त कर दिया। जब पूंजी इन्वेस्टमेंट खत्म हुई तो वो अपने पत्नी के साथ, मतलब अपने ससुराल में रहने चले गए। और जब वहां रहने गए तो वहां भी उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो ऑब्वियसली होता है ना, टॉन्टिंग नेचर्स लोगों के, और ऐसे इन चीजों से उनको अच्छा नहीं लगता था। और उनने अपनी पत्नी को भी छोड़ के वो अकेले पेरिस रहने चले गए। तो इस तरह की वो बुद्धि में अब वही आ गया था, तो उनको बाकी कुछ चीजें नहीं दिख रही थी। फिर वह एरिस स्थान पर गए, एरिस में, जहाँ पे वॉन गॉग थे, पता है, और उनके साथ रहे वो, ठीक है, वॉन गॉग के साथ रहने लगे। ध्यान रखिएगा ये वाली चीज भी। फिर फ्रांस में पोंट एवेन नामक भोजनालय में रहकर वह सशक्त और व्यंजना पूर्वक रेखा और चमकीले रंगों में चित्रण किया करते थे, ठीक है। फ्रांस में पोंट एवेन एक जगह है ना, उसमें वो, वहां पे वो रेस्टोरेंट है पोंट पोंट एवेन, वहां पे वो अच्छे स्ट्रॉन्ग और ब्राइट लाइट्स वाले वो करते थे। उनके चित्रों में वर्णन में समन्यावाद शब्द का बहुत क्या लिखा है, का बहुत उपयोग हुआ है। द वर्ड सिंथेटिसिज्म वॉज यूज एक्सटेंसिव। इनके मन में समन्वय, मतलब दो चीज को मिक्स, समझ रहे हैं, वो चीज का
वर्णन बहुत बार हुआ है उनके आर्ट स्टाइल में, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वो नियो प्रिमिटिविज्म, वो फोविज्म, सिंबॉलिज्म, वो हर चीज का प्रभाव, मतलब प्रभाव नहीं बोल रहे बट एक शुरुआत उनमें दिख रही थी। युवा मित्र एमिल बर्नार्ट है ना, जो एक अच्छे वो हैं, कौन अपने सिंबॉलिस्ट हैं, के साथ चित्रांकन किया इनने प्राकृतिक रूपों को, नेचुरल आइडियोग्राम्स में परिवर्तित किया है ना, एक नेचुरल फॉर्म्स को, जो नेचुरल फॉर्म्स उनको दिख रहे हैं उसको उनने आइडियो फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। अलंकारिकता, जो हम बोलते हैं ना अलंकारिकता और प्रतीकता, सिंबॉलिज्म को प्रभाविकता दी पॉल गोगिन ने। आगे जाके जो हम बोलते हैं नेबीज आर्टिस्ट, नाबीस कलाकार का ग्रुप कहा जाता है, उनके प्रणेता, उनके इंस्पिरेशन भी कौन थे, पॉल गोगिन थे। पॉल गोगिन की कला से इंस्पायर्ड होके ही नाबीस ने अपने ग्रुप्स को फाउंड किया था। आगे, ये अफ्रीकी निग्रो कलाकार से भी इंस्पायर्ड थे। 1891 में ये तहिती द्वीप चले गए थे, इसलिए उनने तहितियों के बहुत सारा चित्रांकन किया है। इनका कथन ये था, मेरे काम का कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला, इतना बड़ा कोई रिजल्ट नहीं निकला, फिर भी एक शुरुआत हो गई, और शुरुआत बहुत लोगों की हो गई। इनने नाबीस को प्रेरणा दी, इनने प्रतीकवाद को प्रेरणा दी, इनने फोविज्म को, इसलिए शायद उन्हें ये वाली चीज उनके मुंह से निकली होगी और ये बिल्कुल सत्य निकली थी। इनकी कला में आदिम कला का प्रभाव है, अभी आपको बताया था। गोगा ने मूर्तियां, स्कल्पचर्स भी बनाए है ना, और वुड पेंटिंग्स भी बनाई, काष्ठ चित्रण भी बनाए, वो क्या बोलते हैं, काष्ठ चित्रण भी इनने बनाए। 97 के तीन छः चार पाँच साल वो वहाँ रहे, और 1903 में उसी, वहीं अकेले रहते थे तहिती द्वीप, वहीं का पेंटिंग्स करते थे, उसी की झोपड़ी में उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कैसे हुई, क्या हुई, ये नहीं पता, लेकिन उनकी मृत्यु तहिती आइलैंड में हुई, जबकि पॉल सीजन फीवर से हुई और विंसेंट वॉन गॉग ने अपनी खुद की जान ले ली। ठीक, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, नाम याद ज़्यादा रखना। ये पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनी गई है, 1897-98 में ऑयल ऑन कैनवास किस में बनी गई है, गोगिन के द्वारा बनी गई है, और इनका जो ब्राइट येलो कलर का यूज है वो आप देख सकते हैं, प्रिमिटिव आर्ट, आदिम कला का प्रभाव मिल रहा है उनको, और है ना, और कैसे तहिती आइलैंड्स वाले लोग अभी आगे देखेंगे वो उनको मिला है। व्हेन विल यू मैरी है ना, इसमें भी जो हम देखो अफ्रीका निग्रो आर्ट जो बोलते हैं ना, उसका प्रभाव क्यों, उसको क्यों सपोर्ट, क्योंकि उनका फेस देखिए आप, उनका फेस आपको वहीं से इंस्पायर्ड दिखेगा, तो वो उन लोगों से प्रभावित थे। तहिती आइलैंड, तो वहाँ की तहिती महिलाओं का चित्रण, इसलिए उनको उसमें प्रभाव उस चीज का मिलता है। ब्राइट येलो कलर्स, वायलेट कलर, जो वायलेट कलर्स का भी यूज है, ये इसी कारण हम उसको फाउवाद के तरह से भी देख सकते हैं, जो मोटे परत, मतलब एक परतों में कार्य किया गया है, वही चीज आगे जाके फाउवादी में भी आई थी। ठीक, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा कुछ समझ आएगा और आप उसको लिंक कर लेंगे एटलीस्ट याद रखने के लिए। तो व्हेन विल यू मैरी, 1892, ऑयल ऑन कैनवास किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द येल्लो क्रिस्ट, येल्लो क्रिस्ट, इसको इनने देखो एक सिंबॉलिस्ट प्रवृत्ति इनकी दिख रही है इसमें, किस तरह सिंबॉलिस्ट फॉर्म में इनने क्रिसिफिक्सन को पेंट किया है, ऑयल ऑन कैनवास है ये भी, और येल्लो क्रिस्ट के नाम से इस पेंटिंग को जान रहे हैं, क्योंकि येल्लो कलर बहुत मुख्य रूप से पॉल गोगा ने यूज किया है। आते हैं द तहिती लैंडस्केप, नाम ही सुन के समझ आ जाएगा, तहिती का नाम आया तो पॉल गोगिन द्वारा ही चित्रण हुआ है। ठीक, तहिती इन वुमेन ऑन द बीच, और तहिती इन वुमेन गर्ल्स, कुछ भी दो तीन चार चीजें अगर इस नाम से रिलेटेड होती है तो वो किसने किया है, पॉल गोगिन। फेसियल एक्सप्रेशन देखो, ये यूज ऑफ वॉयलेट कलर देखो, आपको उससे समझ आएगा कि जो जो प्रभाव मैंने अभी बताए हैं, क्या वो चीज से आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं तो कर पा रही हूँ, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। विंसेंट वॉन गॉग, अगले बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार विंसेंट वॉन गॉग, वस्तुओं के बाहरी रूप के स्थान पर आंतरिक पक्षों, ठीक है, ये वाली चीज जो एक्सप्रेशनिज्म की बात हुई है, हम उसी को कहेंगे कि बाहरी रूप के स्थान पर उनने जो एक इंटरनल बात होती है, इंटरनल पक्ष होता है, उसको प्रस्तुत किया है, जो मन में है उसको प्रस्तुत किया, एक्सप्रेस किया है। ठीक है, इन्होंने यथार्थ को भावों के स्तर पर, ठीक है, एक्सप्रेशंस इमोशंस के स्तर पर किया है, इसलिए कहा गया है कि इसी से प्रेरणा एक्सप्रेशनिस्ट ने ली है।
के चित्रों में साइप्रस के पेड़, जो आगे दिखाऊंगी आपको, जो हमें स्टेरी नाइट में दिखता है, साइप्रस के पेड़ दिखते हैं उन, उसको बहुत चित्रण उनने किया है। ये हॉलैंड के, हॉलैंड डच हॉलैंड के ग्रामीण पादरी के पुत्र थे, डच से हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि विंसेंट वॉन गॉग कहाँ के आर्टिस्ट है, कौन से आर्टिस्ट कहे जाते हैं, तो वो डच आर्टिस्ट, क्योंकि वो हॉलैंड के एक ग्रामीण पादरी के पुत्र थे। ठीक, क्या लिखा है, उन्होंने दो अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षण कार्य भी किया था। उनने शैया पर, मतलब उनने, कौन ऐसा आर्टिस्ट है जिनने, जो बेड पे नहीं सोता था, जिनने बेड पे सोना छोड़ दिया था, वो विंसेंट वॉन गॉग है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें एक नॉलेज होनी चाहिए एक आर्टिस्ट की, बस इसलिए उसको बता रही हूँ। अब उसका हर चीज का कारण मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप उसको बस इतना समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। 1888 में आर्लेस ने किया, आर्लेस जो बताया था अभी आपको मैंने, और वो उस जगह को, क्योंकि वहां का बहुत पेंटिंग किया है, और उस जगह को वो क्या कहते थे कि ये प्रकाश का साम्राज्य है, मतलब किंगडम ऑफ लाइट है, यहाँ इस प्रकार का ऐसा लगता है कि यहाँ उसका एक साम्राज्य है। उसने अपना, अब एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसकी फ्रेंड थी जो भी हो, तो उनके कहने पे, मतलब वो इतना, सोचो इतना इंसेन जैसे थे कि उनके कहने पे उनने अपना एक कान काट के उनको गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और क्वेश्चन आता है कि कौन से कलाकार ने अपने फ्रेंड को, ऑर्डर जो भी, उनको अपना एक कान काट के गिफ्ट करा था, तो वो विंसेंट वॉन गॉग थे। और क्योंकि जब उनने कान काटा, उसके बाद से वो थोड़ा सा उनके माइंड पे भी उसका इफेक्ट आने लग गया था। वो आकृतियों को सिंप्लीफाई, सरल करना चाहते थे, जैसे कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का वो है। अब देखो यही चीज है कि 1889 में, क्योंकि मैंने बताया ना कान काट के दे दिया था, तो उसके बाद उनने असाइलम में, एक लोकल उधर के हॉस्पिटल में उनने खुद को एडमिट कर लिया था, क्योंकि वो, उनकी दिमाग, मानसिक संतुलन भी सही नहीं था और वो सही रहते नहीं थे। और उस तरह के, देखिए, सिर्फ एक साल के अंतर में 37 वर्ष की आयु में उनने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, एक महान कलाकार जिनकी पेंटिंग हम अभी भी, मतलब स्टेरी नाइट तो हर कहीं देखने को मिलती है आजकल, हर वॉल पे। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, क्योंकि उनने कहा, माना गया कि उनने सुसाइड करी, इसलिए उनकी वॉल पे, उनकी जो प्रोफाइल वॉल पे भी विंसेंट वॉन गॉग की पेंटिंग लगा दी गई थी, स्टेरी नाइट लगा दी गई थी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ करेंट, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किसकी पेंटिंग थी वो। तो वो विंसेंट वॉन गॉग की फेमस स्टेरी नाइट थी, अपन देखेंगे आगे इसको। और दूसरी चीज कि वो इसलिए माना जाता है कि वो भी सुसाइड किए थे, और वो जो, वो फीलिंग होगी, वो जो जो मन में शायद उनके थे, वही उसमें होगी। तो वो इस प्रकार से, इसलिए 37 इयर्स की एज में इनने अपने आप को गोली मार ली थी। वो दीनहीन श्रमिकों से ही ईसा और ईश्वर के दर्शन करते थे, मतलब उनको ऐसा कुछ गॉड में बिलीव और ये सब धार्मिकता में नहीं थी, उनको लगता था कि जो दीनहीन है उन्हीं में उनको भगवान दिख जाते थे। इनका पेंटिंग देख लेते हैं, द पोटैटो ईटर्स। ठीक है, ऑयल ऑन कैनवास, न्यूमन नीदरलैंड में है, नीदरलैंड, विंसेंट वॉन गॉग का म्यूजियम भी वहीं पे है, याद रखना, क्योंकि वो वहीं के कलाकार हैं। इस तरह से, तो इसमें देखो, इसमें एक चीज देखिए, ये पोटैटो ईटर्स हैं, लेकिन ये इनने यथार्थ को चित्रण किया है, जैसे जिस तरह से दिखे, इनके फेस कितने अगली हैं, कितने बुरे दिख रहे हैं, मतलब ऐसे कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन यथार्थ है, तो उनने उसको चित्रण किया है कि मुझे बुरे भी दिखेंगे तो मैं वो भी चित्रण करूंगा। तो इसके उनने काफी स्केचेस किए थे, प्री स्केचेस, वहां जहाँ जाते थे, आपको पता है आर्लेस ये उधर का ही है, ये सॉरी न्यूमैन नीदरलैंड का है, ये उधर के ही जो कैफे है उसी में इनने, आर्लेस बार बार याद आता है, उसी का इनने जो दिखे हैं, जो फिगर्स हैं, उनको लेके चित्रण किया है। इस तरह से शुरुआत स्केचिंग उनकी होती थी, देख लीजिए आप, है ना, और इस तरह से वो एक्सप्रेशन को करके फाइनल ये वाली चीज हुई थी। और बोला जाए तो इसके काफी स्केचेस पोटैटो ईटर्स के इनने किए हैं। कैफे टेरेस एट नाइट, ऑयल ऑन कैनवास है, आर्लेस फ्रांस का ये कैफे है जहाँ पे जो उनने उसका पेंटिंग किया है। यहाँ पीछे देखेंगे तो ये वाली चीज पूरी लाइट में, डार्क में दे दिया, लेकिन एक छोटी सी दुकान यहाँ पे लाइट में दे रखी है। ये चर्च का टावर पीछे दिख रहा है, और ये जो है कैफे टेरेस एट नाइट, यहाँ पे ये टेरेस, मतलब इस जगह पे इनका कैनवस लग के इन्हें स्टडी किया था। ठीक है, तो ये इस तरह का एक कैफे टेरेस है फ्रांस में, आर्लेस में, वहां पे उनने इसको यथार्थ चित्रण किया था। सनफ्लावर्स की सीरीज है 1889 में, किसकी है, विंसेंट वॉन गॉग की है। ये वार्स विथ 12 सनफ्लावर्स हैं जो कि उनने पेंट किया है।
नाइट कैफे है ना, ऑयल ऑन कैनवास, ये पेंटिंग जो है आप बोलोगे कि कंटेम्प्रेरी कलर्स को कितने सही तरीके से यूज, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को कितने सही तरीके से इसमें येलो रेड और ग्रीन तीनों का जो समावेश कर रखा है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है। प्लस जो शेडो वगैरह उसका भी स्टडी किया है, बीच में जिस तरह के टेबल पड़ा है उसको, और जो आपका ओनर है वो अलग से आपको वाइट इसमें दिख रहा है। ये कैफे जहाँ वो जाते थे उस तरह से, द कैफे नाइट कैफे एक इम्पोर्टेंट, नाइट क्यों है दिख रहा है, लाइट्स चल रही है, दैट मीन्स इट्स नाइट कैफे, ठीक, लाइट उधर उस तरह से उनने उसको चित्रण किया है। ये आ गया आपकी द स्टेरी नाइट 1889, ये होते हैं साइप्रस ट्री, ठीक है, जो इनकी मोस्टली पेंटिंग्स में मिला है। ये आपकी स्टेरी नाइट है जो बोलेंगे कि लाइट मतलब नाइट और डे के कॉम्बिनेशन का टाइम को उन्हें इस तरह से बनाया गया है। ऑयल ऑन कैनवास है, पॉइंटलिज्म भी इसमें यूज दिखता है, ठीक। तो ये आपका एक अति महत्वपूर्ण पेंटिंग पोस्ट इंप्रेशनिज्म का, वीटलैंड विथ क्रोज, ये भी, ये सब इनकी, देखिए एक मिनट, ये देखो 1889, ये आपकी लास्ट पेंटिंग्स चल रही हैं। वीट लिली, इसको जुलाई 1890 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसमें लास्ट मानी जाती है, कि माना जाता है अभी कोई उसका वो नहीं हुआ है, एश्योरेंस नहीं है, बट ये लास्ट मानी जाती है कि इसके बाद फिर उनकी, क्योंकि डेथ का वो मिल गया था। अब ये इम्पोर्टेंट एक और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो अभी पिछली बार से बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं, हेनरी डे टॉलेस लॉट्रेक, ठीक है, आया। तो ये कौन है, ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं, 1864 से 1901, एलबी नगर के परिवार में इनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु में घुड़सवार के काफी चित्र इनने बनाए थे, हॉर्स ड्रॉइंग, ठीक। इन्होंने रेखाओं को तनाव और संप्रदाय मतलब पूरी टेंशन से और बहुत एक जान देके उन्होंने रेखाओं का चित्रण किया है, किसमें, लॉट्रेक ने। 1885 में मॉन्ट मार्टे में इनका एक स्टूडियो भी खोला गया, किसने, हेनरी डे टॉलेस लॉट्रेक ने। मॉन्ट मार्टे एक तरह से बोलेंगे कि आर्टिस्टों का अड्डा हुआ करता था, ठीक है, वहां पे सब वही रहते थे, इसलिए मॉन्ट मार्टे का एक ब्रांड भी आता है अपने आर्ट मटेरियल का। ये विज्ञापन चित्र, एडवर्टाइजमेंट चित्र, लिथोग्राफ और पुस्तक चित्र चित्रित करते थे। 1891 में पोस्टर बनाना इन्हें आरंभ किया, ठीक है, नोन फॉर कलर्ड प्रिंट मेकिंग, कलर्ड लिथोग्राफिक पोस्टर, फादर ऑफ कलर लिथोग्राफिक पोस्टर, याद रखना किसके लिए जाने जाते हैं, कलर लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए जाने जाते हैं। नेट में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और इस बार तो हद ही कर दी थी, 5 क्वेश्चन इनके ऊपर आ गए थे, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। 1893 में पेरिस में प्रदर्शनी की, ठीक है, पेरिस में एग्जीबिशन किया, बहुत परिश्रमी थे, लेकिन इनका भी यही फॉल्ट था, दुखी थे, है ना, ये सब लोग क्या थे, दुखी। आप सीजेन की बात कर लो तो वो दुखी, वॉन गॉग की बात कर लो तो वो दुखी, गॉगिन की बात कर लो तो वो दुखी, भी सबको छोड़ के आ गए, तो ये सब, ये भी दुखी थे और बहुत ड्रिंक करते थे, ठीक है, बहुत शराब पीते थे। वो बड़े रंगीत लिथोग्राफिक पोस्टर बनाते थे, 300 लिथोग्राफ और 30 पोस्टर्स इनने बनाए हैं। यह विज्ञापन चित्र का प्रपथ प्रदर्शक थे कि एडवर्टाइजमेंट पिक्चर्स जो होती हैं उसके प्यूनर थे, स्टार्टिंग की थी इन्हें, ठीक है। अधिकतर चित्र इनने बिना अस्तरगत ने मतलब अनप्राइम्ड जो कार्डबोर्ड पे बनाए थे, और ऑयल पेंट में स्पिरिट को मिला के पतले पतला वाली चीज होती है ना वो करके उनने बनाया था, मतलब जो आपका बेस है उसमें प्राइमर नहीं लगाया और फिर ऑयल को स्पिरिट मिला के और उसको पतला कर दिया, और पतला करके उसमें पेंटिंग काम उनने किया था। पुस्तकों की आवरण के लिए छोटे छोटे मतलब जो पुस्तकों की कवर्स होते हैं उसके लिए उनने छोटे छोटे लिथोग्राफ्स भी बनाए थे। 30 से बहुत सारी बहुत ड्रिंक करते थे, इसलिए इनकी भी मृत्यु 37 ईयर्स की एज में ही हो गई थी, जो कि काफी छोटी एज थी, बट काम उनने भी काफी किया था। मोलिन रोज क्या है, एक बार था वहां का पेरिस का, 1892 पे एट द मोलिन रोज ऑयल ऑन कैनवास इनने किया है, एक बार इसको समझो। ये मोलिन रोज के बार का चित्रण किया है इन्हें, जब ये खुला था तो उसका पेंटिंग जो उनका ओनर था उस इनको एज अ पेंटिंग करने के लिए हायर किया था, ये पेंटिंग उनने की थी, ठीक। तो ये बैठे हैं लोग, ये माने जाती है कि एक इसी के पीछे एक डांसर है
गुआवल ऐसा गर करके वो अपने बाल बना रही है। एक ये ला अविल है जिनको अभी लास्ट एग्जाम में भी आई थी, वो इस तरह की हैं। और ये जो हैं ये एक सिंगर है ना, ये डांसर है, ये सिंगर है मिल्टन करके, ठीक। ये जो ग्रीन और येलो से जो प्रभाव देने की कोशिश करी आर्टिस्ट ने ये दी थी, लेकिन जब ये पेंटिंग बनाई थी तो ये पेंटिंग सेल नहीं हो रही थी, इसके कारण शायद नहीं हुई थी, तो इसको डीअटैच कर दिया था, इस पार्ट को डीअटैच करके फिर उसको वो किया था, पर बाद में अगेन कुछ ईयर में, 1-2 साल में इसको फिर से अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये 2-3 एक इसकी प्रभाव है, देखो कैसे ग्रीन और येलो से उस चीज को बताया गया है, उस सिंगर को भी उनने साथ में जोड़ लिया गया है। फिर आते हैं मोलिन रोज, ये उसका कलर लिथो प्रिंट है 4 कलर में, मोलिन रोज, ठीक है, पोस्टर है ये एक। जब वो बोला था ना कि उसके उससे वो वहां जाते थे, उनके ओनर से उनकी अच्छी वो हो गई थी, तो ये उसके लिए एक पोस्टर इनने बड़ा, ये ला गोल है ना, ये ला गोल दिख रहे हैं ना, वो गोल, एक एक गोल और एक ला अवेली, ये दोनों डांसर्स थे, ठीक है, तो वो दोनों ही खड़े थे पीछे। तो इस तरह का एक पोस्टर भी इनके द्वारा डिजाइन हुआ था। ये देखो लॉटरिक नाम भी लिखा हुआ है, लीथो प्रिंट है 4 कलर्स में। फिर ये तो इम्पोर्टेंट अभी आया था, जान एवरिल है ना, ये जो ये इनका फेमस डांस पोस्टर था उसका पोर्ट्रेट इनने प्रिपेयर किया था, ये लिथोग्राफ्स इन 5 कलर्स है। फिर देखिए ऐसा नहीं है कि पेंटिंग नहीं किया, पोर्ट्रेट ऑफ विंसेंट वॉन गॉग पेस्टल पे इनने किया है। अच्छा, पॉल गोगिन ने भी विंसेंट वॉन गॉग का पोर्ट्रेट बनाया है, याद रखना। और ये भी क्योंकि गोगा साथ में रहे, आपको पता है आए थे उनके साथ, मतलब उधर रहे हैं आर्लिस में, तो इसलिए उनने भी बनाया है और इनने भी पेस्टल से बनाया है। ऑयल ऑन कार्वर द स्ट्रीट वॉकर, ये एक शायद उनकी कोई फ्रेंड थी या कोई उनकी नेबर थी जिसको उनने इस तरह का पेंटिंग किया था, और बहुत अच्छा ये जो ये ऊपर ये वाली चीज बनाई है उससे एक बहुत इफेक्ट उनका आ जाता है पेंटिंग का। द इंग्लिश मैन इन मोलिन रोज, ठीक है, तो ये इंग्लिश मैन इस तरह से, ये शायद इनके कजिन उनको उनने कुछ बनाया है। ऑयल ऑन कैनवास, ये भी मोलिन रोज का है, तो मोलिन रोज से रिलेटेड आपको जो भी आ जाता है ना टॉपिक या जो भी पेंटिंग, वो इनके द्वारा बनाई गई है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये अपना पोस्ट इंप्रेशनिस्ट तो था, मेरे हिसाब से इसके अलावा और कुछ ज्यादा आता नहीं है, छोटा मोटा भी आए तो आप थोड़ा सा इन सब चीजों का स्किल्स लेके चलो, क्योंकि मुझे तो पता है कि नहीं आएगा इसके ऊपर, कभी आ जाए तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ पेपर बनाने वाली मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो पोस्ट इंप्रेशनिस्ट के मुख्य 4 कलाकार थे जो आपको बताया, इनको अच्छे से वर्ड टू वर्ड देख लेना, हुए तो वर्क और देख लेना, वर्क मतलब आर्ट वर्क अगर अभी मैं जितना, क्योंकि वीडियो में कवर इतना नहीं हो पाता है, लेकिन आप एक बार गूगल करो 3 4 आर्टिस्ट को और उनके सारे काम को एक बार नजर से निकाल लो, तो वो आपके दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपका लिंक भी शेयर होता है, आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो अपना अगला आएगा हम प्रतीकवाद पे बात करेंगे या आर्ट नोवू लेंगे, है ना, जो भी देखते हैं दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। तो प्रतीकवाद कैसे, जो अभी मैंने बताया कि पॉल गोगा ने जिसको इंस्पिरेशन दिया, वो अपन उस चीज को देख लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वन मोर अगेन कि प्लीज एग्जाम आ चुकी है, जिसने ठाना है पढ़ना सीरियसली चालू कर दो, अपने दो दो चार चार घंटे तो कम से कम डेली उस चीज पे देना चालू कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।